साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर हो जाएगा ए के लिए लॉग बी सी और ए सी का अनुपात बी सी बटे ए सी। बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। जानते हैं कि यह अनुपात है और अनुपात की इकाई नहीं होती है, सीधे लिख देंगे 7/25। फिर कह रहा है कॉस ए का मान क्या, कॉस ए बराबर आधार बट्टे का ए बी बट्टे ए सी। ए बी है 24 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर। 24 × 25 इसी में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी तथा कॉस सी का मान या अब देखिए सी न्यून कोण सी तो इसका सम्मुख हो जा ए बी लंब हो गया। न्यून कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी है ना। फिर किसी समकोण के रूप में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण और ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण के सम्मुख भुजा। और किसी विशेष न्यून के कोण के लिए तो जिस न्यून कोण पर गौर करना होता है विचार करना होता है उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब और जो दूसरी भुजा बची हुई है वो हो गया उन्हें कर्ण के अतिरिक्त आधार। तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है साइन सी बराबर सी का साइन लीजिएगा
लंब और कर्ण का अनुपात तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपके 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर बराबर 24 बटे 25 देखिए तो कभी तो ऑफ का होता होता हो साइंस हो गया 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर बराबर हो गया 24 बटे 25 और फिर रहा है कॉस सी का कॉस सी तो अब सी के लिए साइन लिए लंब और कर्ण का अनुपात अब सी के लिए कॉस ले रहे हैं तो अब कौन सी के लिए आधार और कर्ण का अनुपात तो आधार हो जाए इसके लिए बी सी बटे ए सी कॉस सी बराबर हो गया सी बटे ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर बराबर 7 बटे 25 क्वेश्चन था के त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर तो इसमें दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक था इसका साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो क्वेश्चन नंबर दो है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना अब जो है ये सूत्र अगर याद है तो ठीक है नहीं याद है तो ट्राइगोनोमेट्री का जितना सूत्र और उप सूत्र पढ़े पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और तब जो है ये कुछ उदाहरण आज हुआ है और प्रश्नावली 8.1 हुआ है ये आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जहां दिक्कत बुझाए उसके लिए कॉन्टेक्ट करेंगे इस तरह से काम होता रहेगा चैनल पर